आज के वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको खुशहाली देना, और इसीलिए ऐसे छोटे मोटे बिना खर्चे के उपाय बताती हूं जिनसे आपका जीवन खुशमय बन सके। तो मित्रों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ सालों पुरानी बद्दुआ या तांत्रिक क्रियाएँ कितने समय तक प्रभावी रहती है, क्या बहुत सालों तक प्रभावी रहती है, तो इसका कितना असर रहता है, किस तरह का प्रभाव पड़ता है आपकी जीवन शैली पर, घर में किस तरह की बातें होती हैं, ये पूरा आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मित्रों, सालों पुरानी बद्दुआ या महीनों पुरानी बद्दुआ या दिनों पुरानी बद्दुआ होती है। कुछ बद्दुआएँ ऐसी होती हैं जो लंबी होती है, कुछ बद्दुआएँ ऐसी होती हैं जो छोटी होती हैं। आप चाहें तो किसी भी बद्दुआ का उतारा कर सकते हैं, उसको समय से पहले ही निपटा सकते हैं, वापस उस मनुष्य तक लौटा सकते हैं। इस पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि शत्रु यदि कोई कृत्य आप पर छोड़ता है तो वापस उस पर किस तरह से आप लौटा सकते हैं। मित्रों, परमात्मा में अगाध श्रद्धा, घर में धार्मिक अनुष्ठान, लोगों के प्रति सत्कर्म करते रहने से किसी भी प्रकार की बद्दुआ आप पर प्रभावी नहीं होती है। जिस समय आपके मन में नेगेटिव थॉट आते हैं, या आपके पूर्वजों के मन में या आपके बड़ों के मन में कोई ऐसे विचार कभी आए हों, या उनके द्वारा कुछ ये कृत्य हो गए हों जिसकी वजह से घर में तरह तरह के संकट और उपद्रव आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसानों की ही बद्दुआ लगती है, मूक पशुओं की भी बद्दुआ लगती है, पेड़ पौधों की, प्रकृति की भी बद्दुआ लगती है। तो इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति जो इस जन्म में भुगत रहा है उसके पूर्व जन्म की भी बद्दुआएँ होती हैं और उसके कुछ कर्म होते हैं। जैसे कि किसी ने पिछले जन्म में फलदार वृक्षों को कटाया हो तो वो व्यक्ति इस जन्म में बहुत सारे संकट भोगता है, उसको संतानोत्पत्ति नहीं होती, उसके वंश वृद्धि नहीं होती। इसी प्रकार से पूर्व जन्म में किसी ने पैसे का मिसयूज़ किया है तो इस जन्म में उसको पैसे के संकट आते हैं। इसको आप दूर कर सकते हो। जितनी भी बद्दुआएं हैं वो आपके हाथ में भी नज़र आती हैं। जिनके हाथों में गड्ढे होते हैं काफ़ी गहरे, वो किसी न किसी दोष से पीड़ित होते हैं। जब आप निवारण करेंगे तो आपको अपना हाथ फ्लैट दिखने लग जाएगा और वो गड्ढा गायब हो जाएगा। इस तरह का गड्ढा जिसको बोलते हैं बद्दुआएं शो करता है, काला जादू शो करता है। इसी प्रकार से ऐसे मनुष्य बार बार कंधे उचकाते हैं, कंधे उठा उठा के चलना, कुछ चाल उनकी अलग तरह की होती है। इसके अलावा आपके घर में भी कुछ दीवारों में दरारें होना या आपके बिजली के उपकरण आए दिन खराब होना, ये सब भी इस बात का इंडिकेशन है कि कोई ना कोई बद्दुआ या कोई प्रभाव आपके ऊपर है। शुभ और मांगलिक कार्य बनते बनते टल जाएँ, पैसा आए तो व्यर्थ ही खर्च हो जाए, जब भी खाना खाने बैठें तो बाल निकल जाए, घर के लोग आपस में बेवजह झगड़ते रहें, एक दूसरे को मारने काटने पर आमादा हो जाएं, ये सब बद्दुआओं का इंडिकेशन होता है। बहुत मेहनत के बाद भी आपके बच्चों का कोई करियर नहीं बन पाता, उनकी पढ़ाई में वो राइज नहीं कर पाते, मकान बना रहे हैं तो उसका काम ही अधूरा छूट जाता है, तो ये सारी बहुत सारी बद्दुआओं का इंडिकेशन है। जो बद्दुआएं होती हैं, जो क्षणिक होती हैं, वो कम से कम 3 महीने तक प्रभावी होती है, और नहीं तो किसी जैसे पूर्वज ने कुछ गलत काम किया या आपने पिछले जन्म में जो काम किए वो लगभग आपके जन्म से 12 वर्ष तक आपका पीछा करती है। जन्म से 12 वर्ष तक ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक एक तो माता पिता ने जो कृत्य किए वो बच्चों के साथ में रहते हैं, और 12 जिसको बोलते हैं वर्षों के बाद में भी ये सतत क्रम चलता रहता है और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। कई बार ये 30 ईयर का भी होता है, 30 ईयर तक कोई बद्दुआ रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको मार्केश चल रहा हो या जीवन में जो अच्छी दशाएं हैं वो आपके जीवन में नहीं आई, षष्टेश की दशा, अष्टमेश की दशा, जन्म लेने के बाद से ही बुरी बुरी दशाएँ चल रही हैं, ये भी इस बात का इंडिकेशन है कि कोई ऐसी बद्दुआ लगी है जो पिछले जन्म की ही है, पिछले जन्म की बद्दुआ लगी है। तो इस प्रकार से जो बद्दुआ होती है वो मिनिमम 3 महीने तक प्रभावी रहती है, और अधिक से अधिक 30 ईयर्स तक भी रह सकती है। लेकिन इन बद्दुआओं का निपटारा करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं, और रेकी में तो बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिसके जरिए हम ब्लॉकेज को काटते हैं। तो इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी भी रेकी हीलर से संपर्क करके आप पर लगी हुई बद्दुआओं को कटवा सकते हैं, क्योंकि ये बद्दुआएँ दिनों दिन खत्म हो जाती है। इसके अलावा घर में जैसे पुराना सामान ज़्यादा ना रखें, भोजन जब भी बनाएं तो गरीबों में थोड़ा बहुत वितरित करते रहें, अमावस्या को दान पुण्य करते रहें, ग्यारस को दान पुण्य करते रहें, इन सबको करने से बड़ी से बड़ी बद्दुआएं कट जाती हैं। घर में साफ़ सफाई रखें, घर वास्तु के हिसाब से बनवाएं, घर में धार्मिक अनुष्ठान करें, अपना जो धन धान्य का संग्रह है वो लोगों की मदद के लिए करें। तो इस तरह से जब अपनी आत्मिक उन्नति आप करेंगे तो किसी भी प्रकार की बद्दुआ, चाहे वो सालों पुरानी हो, महीनों पुरानी हो, पिछले जन्म की बद्दुआ हो, वो कटने लगती है। घर में धूनी देना, रामचरितमानस का पाठ कराना,
इसके अलावा आप अन्य धर्म के हैं तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ का समय समय पर आपके घर में पाठ होता रहे, तो ऐसा करने से भी बदुआएँ कटती हैं। आपके घर में जो बाई काम करती है, ड्राइवर काम करता है, माली काम करता है, जो भी आपके अधीन कर्मचारी हैं, उनको आप टाइम टू टाइम इनाम देवें, उनको बोनस देवें, उनकी कद्र करें, उनका सम्मान करें, तो ऐसा करने से भी बदुआएँ कटने लगती हैं। घर की बहन बेटियों का अपमान ना करें, घर की स्त्री बहू किसी भी रूप में उसका अपमान ना करें, ऐसा करने से भी बदुआएँ कटने लगती हैं। गाय की सेवा करने से भी बदुआएँ कटने लगती हैं। कुल मिला के ऐसे लोगों का भला करो जो व्यक्ति कुछ नहीं पा रहा जीवन में, उसको अचानक से वो चीज़ दे दो। जैसे किसी गरीब को आप ठंडी बासी रोटी तो देते ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू दे देते हो, अगर उसकी तमन्ना है कि वो केक पेस्ट्री खाए, पिज़्ज़ा खाए, तो उसको वो चीज़ खिलाओ, उसकी वो मुराद पूरी करो। उसके अंदर से दुआ निकले, आपके अंदर से वो, ये दुआ खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन अंदर से निकले, किसी का इतना भला करो कि अंदर से आपके लिए दुआएँ निकले, तो सारी बददुआएँ समाप्त हो जाती हैं। पुरानी कॉपी किताब, पुराने वस्त्र, इन सब का भी ऑरा कट करके दान करो, तो आपका फ़ायदा होने लगता है और आपको लगी हुई बददुआएँ मिटने लगती हैं।